भाई, हो सकता है कि आपको वोट देने का अधिकार दे दिया जाए। बाबा साहब ने सिखाया, बाबा साहब ने समाज के लिए लड़ा। जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि वो अपने बेटे को भी अपना बेटा ना समझे, अपने समाज के बेटे को समझा। बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ एकत्रित होकर एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, समाज की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं कि हमारा दलित पिछड़ा वर्ग कहाँ जा रहा है, किस तरह बढ़ाया जा रहा है। एक गधरी लिया था, फिर कहता बदलिए के तरह था, कहता साहू जी पैसा पका लिया, सवेरे दे दे, घर में मेहमान आए हो, साहू जी गधरी अभी दे देना, दो दस रुपया दे दिए, बढ़ा के दे देना कि कल लिए कि परसों भी है। लेकिन जब आप साहू जी क्या तगादा करने जाते हैं, जब साहू जी आप क्या तगादा करने जाते हैं तो आप उससे कतराते हैं, और फिर कहते हैं कि सवेरे सवेरे आ गले तक मुहे देखल पाप है। विश्वकर्मा को कहते हैं तू कितना लड़गा, ये तो तू तो कृष्ण को खुदे परिक्रमा करे वाला हुआ। कुछ बहा जी के दबुआ जात हुआ तो करते करते सब छट जाता है। छठनी में आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी छठनी होती है, और सबसे कमी आपकी है कि अगर आप तरक्की भी करते हैं तो उन्हीं लोगों की करते हैं, तारीफ भी करते हैं तो उन्हीं लोगों की करते हैं, डरते भी हैं तो उन्हीं लोगों से डरते हैं, और झगड़ा अपने से करते हैं। हमेशा आपको अपना बल लेना चाहिए और दूसरे से विवाद लेना चाहिए, ये कमियां आपको बहुत बड़ी है। अगर एमपी के टिकट में आ जाए माने जगदीश जी तो तू कहा अरे नाना इना ठीक हो, इनका पढ़ाई देखो तपू नियर है ना, देख लगा करके चलना, बोल देना करना भैया इसमें मुझे शरीफ आदमी की जाए शराफत से जिंदगी की है, इसलिए अपनी रोटी को खोजिए, अपने काम भात को खोजिए, अपनी व्यवस्था को खोजिए, अपने तीज त्योहार अपने घर में मनाइए। जब तक आप नहीं मनाएंगे आपका कुछ नहीं होगा। चार लाइन देकर मैं अपनी बारी को विराम दूंगी। सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। इस और को बदलने की जरूरत नहीं है पिछले समाज के लोगों, खुद को बदलो जमाने बदल जाएंगे, खुद को बदलो जमाने बदल जाएंगे। जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। क्यों धो रहे हो
तुम्हारे पुरुषों का इतना अपमान किया, इतना इंसल्ट किया, इतना बेइज्जत किया, सब कुछ लूट के ले लिया और आज तुम कहते हो छोड़ना पड़ेगा, आज के बाद नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से आप अपने घर में पुरोहितों को एंट्री बंद कर दीजिए, बस आपकी सब समस्या हल हो जाए, कोई तकलीफ नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं, कोई तकलीफ आपके पास नहीं आएगा, न भूत आएगा, न प्रेत आएगा, न कुछ नहीं आएगा। औरतों को रात देखो भूत प्रेत और दिमाग की बीमारी होती है, आज के बाद मत मानना। अभी मैं गया था एक पास समाज के बहू घर गई थी, तो वहां शोर सभा था, तो बहुत जाते आए थे, तो उनमें बहुत गाल बुरा आया। दूसरा आके कह दिया था, अरे अलर्ट होगा, मैं भूत बनेगा, ये है वो है। उनको समझा के मैं कि भूत में कुछ नहीं होता है, जो सपना आता है, अगर मान लिया कोई मर गया सपने में आके तो खुशी मना, कहो कि हमारे सपने में आए थे, तो नुकसान नहीं करेगा। ये सपना जो है ना, ये सपना हम जब दिमाग बहुत गहरी नींद होते हैं ना, तो दिमाग के पटल पर दिन में जो सोची चीजें आ जाती है वो सपना, भूत प्रेत नहीं होता है, भूत प्रेत कहीं कुछ नहीं है। और जिसको औरतों को आता है ना, वो दिमाग है दिमाग। अब कुछ तो औरतें सैतानी भी करती है, जान बूझ के करती है कि हमको कोई काम करने को नहीं मिला, दुर्गा बोलूंगी तो उसे डरेगा, ये सब भी ना करते हैं। तो ये सब चीज एकदम छोड़ दो। अब जिसको भूख लगता है ना, अगर नाटक करता है ना, तो हमें दवा बता। एक सांप है ना, सांप पकड़ने वाले बुला दो, और जब भूख को खेती है ना, सांप उसे सब छोड़ दो, तो भाग जाएगा, उसके सामने सांप चिल्ला के सब भूख भाग जाएगा। यह क्या है, हम नाराज में से ही दूर किया जाता है, और जो सांप जाएगा ना भागेगी चिल्ला के, भूख भाग जाता है। तो भूत प्रेत जादू टोना सब कहीं कुछ नहीं है, डर गया से झगड़ा वगैरह जो हो रहा है ना, इसे ये सब भूल जाओ, कतई कुछ नहीं है, ना भगवान है, ना देवी है, ना देवता है। भगवान से वो है ऊपर का, जो चौबीसों घंटा आपको वाच कर रहा है, देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और वो सीसीटीवी कैमरे देख रहा है। आप कभी भी उसको ध्यान में रखोगे तो कोई गलत काम आपसे नहीं होगा। मैं सच्चा आस्तिक हूँ, सबसे बड़ा आस्तिक हूँ, मैं बराबर याद देखता रहता हूँ, जब कोई काम करता हूँ तो मैं देखता हूँ भगवान मुझे देख रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, अरे भगवान तो मंदिर में है, चोरी कर लो, बेईमानी कर लो, बलात्कार कर लो, और जाकर गंगा में स्नान कर लो, माफ हो गया। ये भगवानों के माफ करने के कारण हमारे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार होता है, भगवान लोग माफ करते इसके कारण, कहीं माफ नहीं होता है। इसके बाद आपके बाद आप लोग अपना गलत पैसा, गलत परिश्रम, गलत एनर्जी, योगी योगी टोना कंका और भूत प्रेत और ये सत्यनारायण सब बंद कर दो। मेहनत की ईमानदारी से एक चीज है, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से एक दूसरे को सहयोग करो, इज्जत का रिश्ता, मान सम्मान हमारा की ब्राह्मण दुश्मन है ना कोई है। सबसे बड़ा चीज अब लास्ट में कहते जाऊंगा कि आप ये चीज बताइए कि एक इंसान हिंदू धर्म का अपने आप को त्याग से कुछ मानता है और दूसरे को नीच मानता है, मैं उसको इंसान ही नहीं मानता, वो हैवान है, अपराधी है। ये कैसे अपनी मानसिकता के अपना देखो याद होता चमार हमसे नीच है, क्या अपराध नहीं है क्या ये? और मेरा रिसर्च है, मैं मुंबई के अस्पताल में जाके देखा हूँ, जो इस मानसिकता से है ना 50 लाख पहुंचते पहुंचते उसको कभी पैरालिसिस होता है, कभी हाथ का कुछ न कुछ शर्म में गड़ने लगता है, सब हो रहा है। क्या कहते हैं, भाग्य बारे क्यों नहीं सोचा तुमने, किसी को जा से नीच कहा है, उसके साथ अपराध किया है, उसको छुआ छूत रखा है, ये अपराध हो ऐसे तू भोग रहा है। तीसरी व्याख्या की मीटिंग ऐतिहासिक गांव से मैं कह रहा हूँ, यही गांव है जहां पर पोतराम जी ने जमींदारी उन्मूलन हुआ था, उस समय सभी पिछड़े दलित लोगों से कहा था कि आप अपना टेक कर जाते हैं, लेकिन आपके पुरुषों ने ये जो जमीनें दिखाई दे रही हैं उनको बड़ी मार पड़ी, लेकिन आप लोगों ने साफ नहीं किया, ये बहुत बड़ी भूल है। ऐसे ऐतिहासिक गांव में मैं आप सभी लोगों का अपने तरफ से स्वागत करता हूँ, और अपने मुख्य अतिथि श्री शंकर यादव सुधीर जी का भी सम्मान करता हूँ कि आप पिछली रूढ़िवादिता को बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया। हमारे पत्रकार साथी भी हैं और हमारे भगवान मंगल
इसलिए उन्होंने मुझे कहा था आपके कहने पर मैं जयपुर में था और वहां से आया एक लड़की थी, उसकी लड़की गोल्ड मेडल था। मैं आप सभी लोगों की बात मैं आज ऐतिहासिक महान पुरुष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर मैं उनको नमन करता हूँ और आपके समाज को मैं भी नमन करता हूँ कि कम से कम आज जो हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने उनके निर्देश पर आप लोगों ने गांव गांव को जो शुद्ध समाज के साथ जुटने और कमजोर समाज के साथ जुटने का जो प्रयास कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तीन महान विभूतियां का जो चित्र लगा हुआ है उसके बहुत ही कम समय में पहले ये गौतम बुद्ध जी का है जिन्होंने बहुत पहले मानवता का संदेश दिया था और उसके बाद अगर सामाजिक लड़ाई लड़ करके किसी ने इस हिंदुस्तान के मूल निवासी जो क्षुद्र कहे जाते हैं वो तो क्षुद्र में सभी जाति आती है यादव कुशवाहा भौर भीम दुनिया चमार जो इतनी जातियां हैं छोटी जो काले कलूटे लोग हैं वो सभी लोग उसमें आते हैं। अब क्यों हम लोग अलग अलग जातियों में बट गए इसके संबंध में आपने बताया उसको मैं बहुत डिटेल में नहीं कहूंगा, लेकिन दो चीजें इतिहास की बहुत अच्छी जो है चीजें उसको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ 700 वर्ष मुगलों का राज्य था और उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज के आने के बाद यहाँ के जो भारतीय संस्कृत और हमारे जो धर्मावलंबी थे उनसे समझौता हुआ कि भाई आप हमारे जो भारतीय संस्कृति है मूल रूप से यहाँ की जो जातियां हैं उन जातियों का जो हमारी संस्कृति ने बंधन किया है और इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है के अलावा और कोई अधिकार नहीं है जो यहाँ के भारतीय संस्कृति ने बंधन किया है उस पर आप किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद जब पूर्ण रूप से स्थापित हो गए तो उन्होंने ये सोचा कि अब हिंदुस्तान इतना बढ़िया देश है कि इसको हमें छोड़ करके जाना नहीं है, इसलिए उन सबों ने 1931 में जाति जनगणना किया। 1931 में जाति जनगणना हुई और 1931 की जो जनगणना हुई तो यहाँ के जो बड़े लोग हैं मैं जात का नाम नहीं लूंगा लेकिन जो आपके विचारों के जो आपके सुख सुविधा के आपके जो आने वाली पीढ़ी को गर्भ में रखने के लिए उनके जो विचार थे उन विचार वालों से अंग्रेजों से लड़ाई हुई और अंग्रेज चाहते थे कि हम हमेशा के लिए स्थापित हो इसलिए उन्होंने जनगणना कराई 1931 में और 1931 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 64% से ज्यादा पिछड़े और दलित को छोड़ करके पिछड़ा वर्ग है और 21% का जोड़ देंगे तो उससे भी ज्यादा कर 85 जगदेव बाबू ने नारा दिया था। जगदेव बाबू बिहार के सटे हुए हैं उन्होंने नारा दिया है कि दो ही जातियां एक शोषक और शोषित दो ही जातियां एक शोषक और शोषित 10% शोषक है और 90% शोषित है उन पर राज करते हैं। आज उन्होंने लड़ाई लड़ी और बिहार में आज तक चाहे 74 के बाद चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी का राज रहा चाहे हम लोग की समाजवादी वहां पर जनता दल का रहा बैकवर्ड आज तक वहां पर गद्दी पर बैठा रहा और अपनी जो मनुवादी जिसको आप कहते हैं समाजवादी जिसको कहते हैं उनके विचारों को हमेशा हक देता रहा।